होने के लिए है तैयार, लेकिन कोई है जो मस्तानी बनकर, बल्कि कहना चाहिए दो लोग हैं जो मस्तानी बनकर खूब कहर ढा रहे हैं। भाई और कोई नहीं, हम तो बहू बेगम की शायरा और नूर की बात कर रहे हैं। और ये जो डांस है ये जीत का डांस है, क्योंकि दादी की चाल का पलटवार जो कर दिया है इन्होंने। बहू बेगम की हवेली में जमी है महफिल, मस्तानी की महफिल, और अजान की दोस्त और बीवी यानी कि नूर और शायरा दोनों मिलकर कर रहे हैं डांस। दादी अम्मी की साजिश थी नूर को तवायफ बनाकर पेश करने की, मगर उनकी चाल को शायरा ने उल्टा कर दिया और नूर की पेशी को पार्टी में बदल दिया, और दोनों अपनी जीत पर इतराती हुई मस्तानी बनकर डांस करने लग गई हैं। दादी जान का ये प्लान था कि वो नूर को मुजरे वाली कॉस्ट्यूम देके ह्यूमिलेट फील कराएगी, एम्बैरेस फील कराएगी, लेकिन समहाउ हम दोनों ने कवर अप कर दिया। एक्चुअली मैंने जो चाहा था कि नूर को एक नाचने वाली एक तवायफ के तौर पर लोगों के सामने लाऊंगी, लेकिन यहाँ तो लोग उसको मतलब उसकी सराहना कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो मैं चाह रही थी वैसा हुआ नहीं। वैसे अजान की मस्तानी तो दो हैं, मगर यहाँ दो और किरदार भी डांस करने जुड़ गए, दिलरुबा और उसकी सहयोगी भी नाचने लग गए, और उनके डांस को सबने तालियों से खूब सराहा। इनकी सराहने की इसी आदत ने ही तो गजाला बेगम की चाल को नाकाम कर दिया। ऊपर वाला नूर की किस्मत बहुत अच्छी है, मैं जब भी कुछ करने को होती हूँ किसी ना किसी तरह से पासा पलट जाता है। शायरा ने नूर का साथ दिया और उसे बेआबरू होने से बचा लिया, मगर ये गजाला दादी भी जरूर कोई नई चाल चलेगी और शायरा नूर को फिर से परेशान करेगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।